जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि आपको पता होगा कि MIM काफ़ी यानी टाइम से शहर में जहाँ जहाँ गंदगी हो रही है उसके खिलाफ यानी आवाज़ उठाती है, उसको रोकने के लिए कहती है। हमारे जो ट्रेजरर है जावेद सिद्दीकी भाई, वो कंटिन्यू उसके लिए पत्र व्यवहार करते हैं TMC से। अभी हम लोगों ने काफ़ी टाइम पत्र व्यवहार करने के बाद 10 तारीख को 10 अगस्त को हम लोगों ने यहाँ धरना आंदोलन किया था, जिसके बाद जो यहाँ शहर के जो AMC है मुमरा प्रभाग समिति के बालू पिक्चर साहब ने आकर के हमारा आंदोलन रोका था और उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, हमसे 8 दिन की मोहलत मांगी थी कि 18 अगस्त तक रुक जाए, उसके बाद हम यहाँ पर शहर में कचरा नहीं होने देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि MIM कोई भी काम करती है तो उसका फॉलोअप बराबर टाइम टू टाइम लेती है। कल 18 तारीख को जावेद भाई ने उनको कॉन्टेक्ट किया, हमारी टीम ने उनसे पूछा कि यानी सर आपने 18 तारीख तक का बोला था, आज 18 तारीख है, तो उन्होंने हमको एक लेटर बताया, जावेद भाई को लेटर भी कॉपी भी थी उसकी, कि हमने ऑलरेडी यानी सुबह अभिषेक एंटरप्राइजेस को लेटर भेज दिया है, हमने ये लेटर अभिषेक एंटरप्राइजेस को दे दिया है कि आप शहर में आप कचरा ना डाले। आप देख सकते हैं कि उन्होंने बायका था हमारा नाम कोट किया है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कंप्लेंट है और उसके बाद उनका धरना प्रदर्शन या वो FIR करेगी तो आपके ऊपर FIR होगी, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो उन्होंने खुद रोका है तो आलम। और उसके बाद आज देख रहे हो कि 19 तारीख को सुबह सुबह अभी आप खुद यहाँ पर मौजूद हो, 7:30 पौने 8 हो रहा है और हम लोग सुबह 7:30 से 6:30 हमारी टीम यहाँ मौजूद है। कचरा जो पहले है ना बिल्डिंग वालों ने लाकर डाल दिए थे, जो बिल्डिंगों में झाड़ू लगाते उन लोगों ने, वो कचरा भी यहाँ के आकर के जो सुपरवाइजर है अभिषेक एंटरप्राइजेस उससे हमने उठवाया है और हम कचरा डालने से यहाँ रोक रहे हैं और आज के बाद यहाँ पर कचरा नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। और जो भी कचरा रहेगा वो डायरेक्ट यहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी, गाड़ी में डंप होगा, डायरेक्ट शहर से बाहर चला जाएगा। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी MIM को मिली है उसके लिए, और गाड़ी भी कुछ दिनों के लिए खरीदेगी, उसके बाद वो घर बिल्डिंगों से डायरेक्ट लेकर जाएंगे, यानी मोहल्लों से डायरेक्ट लेकर। जी देखिए, हम लोग फॉर्म से ये अपील करेंगे कि जितने भी आसपास के अजराफ में सोसाइटीज बिल्डिंग्स है वहाँ पर जो झाड़ू वाले है, आप अपने झाड़ू वाले को इंस्ट्रक्शन करें कि देखिए अभी यहाँ पर गाड़ी खड़ी रहेगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी डब्बों से गाड़ी कचरा आ रहे हैं बिल्डिंगों के और डायरेक्ट गाड़ी में डंप किए जा रहे हैं, उसी तरीके से उनको बोले कि वो गाड़ी में डाले और नीचे ना फेंके। कुछ अपना भी यानी जरूरत है कि अपन भी खुद को सुधारे, खुद अपने शहर को साफ रखे। अगर आप अपने झाड़ू वालों को बोलोगे और इस तरीके से देखिए अभी वो लेडीज आई है वो डालेगी अभी वहाँ पर डायरेक्ट, अगर उन लोग आकर के उस पर डंप करेंगे तो नीचे गंदगी नहीं होगी, तो ये शहर साफ रहेगा, ये रास्ता साफ रहेगा। बस यही अपील करूंगा कि अपने लोगों को बोलिए कि आप कचरे पे रास्ते पे कचरा ना फेंक करके गाड़ी में डायरेक्ट कचरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सबसे पहले TMC के आला अधिकारियों को नमस्कार सुबह सुबह आदाब करता हूँ कि उन्होंने जो ये काम शहर के अंदर जो किया है, देर किया है लेकिन किया है उन्होंने, और मजलिस की टीम आज यहाँ पे आपको सुबह सुबह दिख रही है। सैफ पठान जो हमारे सदर है मजलिस के, उनकी कयादत में मुमरा शहर में जो भी भ्रष्टाचार हो या कोई भी है उस पर हमेशा वो काम करते हैं, और काम जब तक होता नहीं है जब तक हम लोग हटते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़्यादा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, मुमरा शहर में बहुत से पार्टियां हैं को चुनाव आते ही वो काम करते हैं, TRP लेते हैं। जनता से मेरी यही गुजारिश है कि जो शख्स काम करता है, जिसको थाना महानगर पालिका जनता चुन के भेजती है महासभा में, जनता के लिए जो बात करते हैं, ऐसे लोगों चुनकर महानगर पालिका भेजो ताकि शहर में चाहे कचरे का प्रॉब्लम हो, चाहे स्कूल का प्रॉब्लम हो, बहुत सी सुविधाएं जो थाने महानगर पालिका देती है उसके ऊपर आवाज उठाने को उनका गट्स होना चाहिए। ये नहीं चुनाव में एक धंधा बना लिए, बस लॉलीपॉप देना चालू और ये हो गया हमने कर दिया, ऐसे लोग से सावधान रहना चाहिए। मैं सबसे पहले हमारे सदर को सलाम करता हूँ कि मुमरा शहर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे सदर मजलिस के होना चाहिए, और इसके ऊपर इन्होंने जो कचरा हटाया है इसमें सबब ये है कि लोग सोचते हैं यार बोलते होंगे अरे चलेगा, तो ये चलेगा नहीं, मजलिस यहाँ हमेशा खड़ी रहती है। 269-270 के तहत अगर ये कचरा नहीं शहर के अंदर से हटता तो उनके ऊपर आज गुनाह दाखिल होता। ये हमारे पास ये TMC ने लेटर दिया था, उनको भी लेटर दिया है कि अगर ये कचरा नहीं हटेगा हम तुम्हारे ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।